हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस दौरान पार्टी के तमाम नेता चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेता चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कामों की बदौलत तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने विपक्ष पर एक के बाद एक कई आरोप लगाकर कहा, हम जनता के बीच अपने 10 सालों के काम को लेकर जाएंगे। देखिए, टाइम आ गया है चुनाव का और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से हमने 10 साल लोगों की सेवा की है, पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। और विपक्षी पार्टियाँ भ्रामक प्रचार करती हैं, दूसरों के कंधे पर के बंदूक चलाते हैं, कभी खिलाड़ी का इस्तेमाल करती हैं, कभी किसान का इस्तेमाल करती हैं, कभी किसी का इस्तेमाल करती हैं, अपनी उपलब्धि बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। साथ ही वित्त मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष केवल भ्रामक प्रचार करता है और कभी किसानों के तो कभी खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने समय का हिसाब दे कि कैसे गरीबों की नौकरी और किसानों की जमीनें छीनी थी, और वो अपने वक्त का हिसाब दें कि किस तरह से उन्होंने गरीबों की नौकरी हड़पी थी, किस तरह से किसानों की जमीन हड़पी थी, किस तरह से सारे प्रदेश के संसाधन को ले जाकर एक जिले में लगाया था, किस तरह से हमारे भिवानी जिले का पानी लेके चले गए थे, 2-2 रुपये के चेक किसानों को देते थे, इन चीज़ों का हिसाब उनको देना चाहिए, फिर वोट मांगने चाहिए। हरियाणा में राजनीतिक दल चाहे कितने भी हों, लेकिन कांटे की टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहने वाली है। बाकी इसका सही फैसला तो 4 अक्टूबर को ही हो पाएगा। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दूहन की रिपोर्ट।